गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 19 नेम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट एम्पियर जो कि एमीटर होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं और गैलविनोमीटर भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब पैरल और सीरीज़ में उस टाइम पर आप लोग देखना पड़ता है और यहाँ पर एम्पियर जो कि एमीटर मीटर जो है करंट का इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए नेम द इक्विपमेंट थ्रू विच द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द व्हील्स ऑफ व्हीकल्स आर मेजर्ड जिसको हम डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया है वो आड़ी मीटर होता है और आप जैसे कि अपना गाड़ियों में आप देखने को मिलता है डिस्टेंस मेजर करता है और नेम ए डिवाइस यूज फॉर द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हम बाइनाक्लस का इस्तेमाल करते हैं दूर की चीज़ को देखने के लिए इसको मैग्नीफाइंग यानी बड़ा देखने के लिए द इक्विपमेंट इज़ यूज इन द इंटरनल कम्बिशन ऑफ हीट इंजन व्हीकल इंजन और जिसको हम कहते हैं कार्बरेटर का इस्तेमाल करते हैं इंटरनल कम्बिशन हीट इंजनस के अंदर आल्टीमीटर हाइट मेजर करने के लिए होता है और क्रेस्कोग्राफ किसके लिए होता है और साइक्लोट्रॉन किसके लिए होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं द डिवाइस बाय विच आर्टिफिशियल क्लाइमेट इज़ प्रोड्यूस जो कि साइकोट्रॉन होता है आर्टिफिशियल क्लाइमेट को क्लाइमेट इज प्रोड्यूस्ड कैलिपर्स वनी कैलिपर्स आप जानते हैं बचपन में छोटे छोटे मेजरमेंट करने के लिए कार्डियोग्राफ जो कि दर्द अपना हार्ट का जो रीडिंग नापने के लिए एवोमीटर किस चीज़ का मुझे बताइएगा नेम द इक्विपमेंट थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और एजेक्टेड जिसको हम कैथोड रे ट्यूब सी आर टी कहते हैं और ये इक्विपमेंट को थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और एजेक्टेड थ्रू विच इक्विपमेंट ह्यूमन हार्ट बीट्स आर रिकॉर्डेड एंड डिटेक्टेड वाया ग्राफिक्स जो कि कार्डियोग्राफ होता है जिनके अंदर आप देखने को मिलता है थ्रू विच ह्यूमन हार्ट बीट्स वगैरह आप लोग मेजर करते हैं वो सही चल रहा है कि नहीं आपका हार्ट अगर सही नहीं चल रहा है तो आपको स्टंट लगाया जाएगा नेम ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि डायनमो को इस्तेमाल करते हैं साइक्लो में यूज़ करते थे पहले और द डिवाइस दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं वो इलेक्ट्रोस्कोप के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर है कि नहीं चार्ज विच इक्विपमेंट इज एम्प्लॉयड टू प्रोजेक्ट और एक्सपोज पिक्चर्स ऑन स्क्रीन जो कि एपडिया स्कोप कहते हैं एक ऐसा इक्विपमेंट इज़ एम्प्लॉयड टू प्रोजेक्ट आर एक्सपोज पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन एपिडिया कोप अगला देखिए केमिस्ट्री के हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देर रेस्पेक्टिव ओर्स बाय द हाइड्रोमेटालर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाइड्रो प्रोसेस से एलक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज़ यूज्ड फॉर द सिलिकॉन गैलियम एंड जमीनी जमिनेशन प्रोसेस इनके अंदर आपको जोन रिफाइनिंग इज़ यूज और टिन एंड लेड कैन बी रिफाइंड बाई द लिक्वेशन प्रोसेस में आप देख सकते हो टिन एंड लेड को रिफाइन किया जाता है सिलिकॉन इज़ द मेन कंस्टिट ऑफ रॉक्स जो सिलिकॉन है ये मेन कंस्ट्रक्ट ऑफ किसका रॉक्स का और आप लोग मेकिंग ऑफ ग्लास के अंदर आप देख सकते हो और सोलर पैनल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्मानेट हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम सल्फेट जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पर्मानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एग्जाम्पल ऑफ हैलाइड ओर्स जो कि क्रायोलाइट जो है जो हैलाइड वोर का एक एग्जाम्पल है और जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है क्रायोलाइट के अंदर सिल्वर मेटल इज ऑपटेन बाय द पार्कस प्रोसेस के थ्रू सिल्वर मेटल को हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं चिनाबार जो है मर्क्यूरी हम चिनाबार और से निकाला जाता है सिल्वर जो है कंटेनिंग लेड एज एन इम्प्योरिटी इज रिम्यूड बाय द क्यूपिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो कि सिल्वर कंटेनिंग लेड एज एन इम्प्योरिटी इज रिम्यूड बाय द क्यूपिलेशन प्रोसेस सो यहाँ पे सिल्वर का एक्सट्रैक्ट किया जाता है बायोलॉजी के हिसाब से स्टडी ऑफ पोलिन ग्रेन्स को हम पैलिनो जी कहते हैं पोलन ग्रेन्स का स्टडी को कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड श्रब्स प्लांट्स जिसको हम आर्बोरीकल्चर के नाम पे जाना जाता है द स्टडी ऑफ इफेक्ट लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस जिसको हम फोटो बायोलॉजी के नाम पे जाना जाता है जो के जिनके अंदर इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाई द कावियर जो कि फाइलम देने वाला जो वर्ड है और कावियर है दोस्तों होमोसेफियन्स इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ़ ह्यूमन होता है मैन होता है और होमोसेफियन सेफियन होता है फुल नाम जो होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग आटोट्रोफिक थलाफाइट्स इज कॉल्ड जिसको हम आलगेई के नाम पे जाना जाते हैं और जिनके अंदर आटोट्रोफिक थलाफाइट्स दे आर कॉल्ड एज आलगई द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एच आई वी वायरस कॉजिंग एड्स जो कि एलिजा टेस्ट होता है बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी व्यून इसको खोज किया है द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स जिनको हम कहते हैं टॉक्सेंस के नाम पे जाना जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बायलॉजी लुइस पास्चर है दोस्तों और कंप्यूटर के सवाल देखिएगा कमांड्स एट द टॉप ऑफ ए सीक्रेट सॉ कमांड्स एट द टॉप ऑफ ए स्क्रीन सच एज फाइल एडिट फॉन्ट टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन ए प्रोग्राम जिसको हम मेनू बार जानते हैं ये मेनू बार होता है द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉमेसन जो कि हार्ड ड्राइव कह सकते हैं ए फाइल एक्सटेंशन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल नेम विद बट नो स्पेसेस जो कि यहाँ पे जो भी फाइल एक्सटेंशन इसके अंदर आए नहीं दिया ही नहीं सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू अकम्पलिश ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क जो कि मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसीलिए डिजाइन करते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को कम्प्लीट करने के लिए और ये यू पी एस एक है सर्ज प्रोटेक्शन यानी कोई भी करंट वगैरह चला जाता उस है उस टाइम पे एक पावर बैकअप आपको दिया जाता है कंप्यूटर को उसको हम यू पी एस के नाम पे जाना जाता है और पेरीफरल डिवाइस डिजीनेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू तो ए कंप्यूटर सिस्टम टू तो एनहैंस इट्स फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी को अच्छा बढ़ाने के लिए पेफरल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी एक ऐसा एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग प्रोग्राम फ्रॉम ए नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ जिसको हम सोलर सॉरी सॉफ्टवेर प्राइवेसी के नाम पे जाना जाता है जिसको मल्टीपल कॉपीज ना होने के बचाता है यहाँ पे जो भी एक्ट ऑफ कापिंग और डाउनलोडिंग प्रोग्राम जैसे कि हम लोग मूवीज़ का भी इस तरह का सॉफ्टवेयर प्राइवेसी हम लोग देख सकते हो वेन इंस्टॉलिंग द यूज़र मस्ट कॉपी एंड यूजली डिकम्प्रेस प्रोग्राम फाइल्स फ्राम सी डी रोम और अदर मीडियम टू हार्ड डिस्क जिसको हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के नाम है वैन इंस्टॉलिंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर द यूजर मस्ट कापी जो भी यूजर है वो ही मस्ट कापी एंड यूजली डी कम्प्रेस द प्रोग्राम फाइल्स अंड सी डी रोम आर अदर मीडियम टू द हार्ड डिस्क विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए वे दैट कंप्यूटर वायरस कैन एंटर ए कंप्यूटर सिस्टम बारोड एंड ए लीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर ये एक मेन रीजन होता है अगर कहीं से आप लीगल सॉफ्टवेयर खरीदते हो और जो कि द वे दैट द कंप्यूटर वायरस कैन एंटर ए कंप्यूटर सिस्टम मेन रीज़न होता है बाकी जितने भी दिए हैं दे आर नॉट द मेन रीज़ंस प्रोग्राम सचाज मोजिला फायरफॉक्स दट सर्व एज नाविगेबल विंडोज इंटू द वेब जिनको हम कहते हैं वेब ब्राउजर्स के नाम पर जाना जाता है एक ऐसा प्रोग्राम है सचा इज मिला फायरफॉक्स दाट सर्व एज नाविगेबल विंडोज इन् टू द वेब वेब ब्राउजर्स दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब अगला देखिए जनरल नॉलेज के हिसाब से विद विच रिलीजन वुड यू एसोसिएट विद द फाइव केस फाइव केस आप सिक्किज़म के अंदर देख सकते हो वो केस क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा टाइनी प्लांट दैट फ्लोट्स इन द ओशन जिसको हम प्लान के नाम पे जाना जाते हैं छोटे छोटे प्लांट होते हैं ओशन के अंदर फ्लोट करते रहते हैं माय लाइफ किताब जो कि बिल क्लिंटन ने लिखा था और प्रकशन इंस्ट्रूमेंट जो है <coughs> प्रकशन इंस्ट्रूमेंट वो होता है कि जो मृदंगम है आप जानते हैं ये एक किस्म का प्रकशन इंस्ट्रूमेंट है और एग्जाम्पल ऑफ अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट्स आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इंग्लैंड कौन है तरीजा मे और आप मुझे कामेंट सेक्शन में बताइए हु एग्जैक्टली द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड तरजिया मे लिखा हुआ है और अभी जो रिसेंटली जिनको करोना हुआ वो उसका नाम क्या है बताइएगा द लीडिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जो कि इटली में है जिनके अंदर आर्ट स्टोरेज देखने को मिलता है विच इज़ नॉट अ ट्रांसपोर्ट ट्रांसप्लान क्रॉप जो कि वीट होता है एक ट्रांसप्लान क्रॉप नहीं है स्नैक जो है उनके अंदर लंग्स देखने को आपको मिलता है पेट्रोल कार हैज इन्वेंट वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल बेंज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है विच इज़ नॉट अ ट्रांसप्लान क्रॉप जो कि यहाँ पे वीट है कोकोनट है टी है कॉफ़ी है ये सब जो है नॉट अ ट्रांसप्लानटेशन क्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक पार्ट है उसको डिस्कस करने के बाद आई होप ये ट्वेंटी पार्ट्स आपको काफ़ी यूजफुल रहा होगा गो एंड हैव ए लिस्ट जो कि जी के एंड जी एस प्ले लिस्ट के अंदर दिया हुआ है हैव ए गुड डे हैव अ ग्रेट लाइफ